हरियाणा के रादौर के गांव दामला के पास हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो की एक बस में अचानक एक यात्री की चलती बस में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के सेक्टर 6 निवासी खरैती लाल के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना के बाद शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। यमुनानगर से हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो की एक बस आज जैसे ही दामला के पास पहुंची तो उसमें बैठे एक यात्री को सीने में अचानक जोरदार दर्द शुरू हो गया, जिसके बाद चालक बस को रादौर सरकारी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा ताकि पीड़ित व्यक्ति को इलाज मुहैया करवाया जा सके। लेकिन जब तक ये वहां पहुंचे तो चिकित्सकों ने जांच के बाद उस व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। बस के परिचालक दीपक कुमार ने बताया कि वे यमुनानगर से बस लेकर करनाल के लिए निकले थे। उनकी बस जैसे ही दामला गांव के पास पहुंची तो एक यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वे इलाज के लिए यहां हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था। वही सूचना पाकर रादौर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई शुरू की। जांच अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि मृतक खरैती लाल करनाल का रहने वाला था। मामले की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। परिजनों को शव की शनाख्त करवाने के बाद शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट। मैं सर करनाल डिपो के अंदर जुथाला के पद पर हूँ सर। गाड़ी हमारी चली थी सर, ये हमारी यहाँ के लिए करनाल के लिए जमुना नगर से, और इस समय ये सवारी बैठी थी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, और इन घाटी घट आद आया था जो वो सीनियर सिटीजन का टिकट होता है। तो ये आगे निकलने के बाद ये जो दामला स्टैंड पड़ता है, दामले के बाद जो इनकी तबीयत ख़राब होगी, और ख़राब होने के बाद हमने इनके हाथ उठ पैर पूरे वो करे, अगर शायद वो दौरा हो सकता है तो फिर हम यहाँ फिर सरकारी हॉस्पिटल में आ गए रा दौड़ के, और फिर यहाँ देखने के बाद फिर इनको मृत्यु घोषित कर दिया उन्होंने। अभी कुछ देर पहले हमें सूचना मिली थी कि बस में कोई आदमी बेहोश पड़ा है, तो उसको रादौर सरकारी अस्पताल में लेकर आ गए हैं। तो जिस सूचना पर हम यहाँ मौके पर आए हैं, यहाँ पर बस खड़ी है मौके पर, और बस में से एक खरैती लाल नाम का आदमी, जो उसके जेब से डॉक्यूमेंट चेक करने से पता चला भी खरैती लाल नाम का आदमी है जो करनाल का रहने वाला है, उसको अटैक पड़ गया है। मुताबिक कंडक्टर के बयान, मतलब कंडक्टर ने बताया अभी उनको शायद, और सवारियों से पूछताछ की भी उसको शायद अटैक पड़ गया। ठीक ठाक यमुनानगर से बैठा था, करनाल जाने के लिए सीनियर सिटीजन था वो, आधी टिकट कटाई हुई थी उसने, और अभी उसके बाद मोबाइल नंबर वगैरह लेकर के उसके वारसान को सूचित कर दिया गया है, और सरकारी अस्पताल रादौर में अभी उसकी नाज पड़ी है। अब उसके वारसान आएंगे, उसके हिसाब से उनको शनाख्त करा के और कंडक्टर के बयान पर या उसके वारसान के बयान पर अगली कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.